वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू जनवरी के भाग 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बाइलिंगुअल। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। 49 स्टेटहुड डे त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना सेलिब्रेट किया 21 जनवरी को। ये तीनों का राजकीय दिवस था, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। इस बार इसका थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड जनरेशन। यहां पे एक बात याद रखिए कि भारत में जो एजुकेशन डे होता है वो कब होता है, 11 नवंबर, क्योंकि वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन होता है। तो भारत में एजुकेशन डे होता है 11 नवंबर को और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। और दुनिया में जो इंटरनेशनल डे होता है, इंटरनेशनल डे गर्ल चाइल्ड के लिए, वो 11 अक्टूबर को होता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। एक पार्टी है तमिलनाडु में, तमिल मनीला कांग्रेस, उसके नेता थे बीएस ज्ञान देसिकन, उनकी डेथ हो गई। मशहूर इंडियन शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण जिन्हें मिला हुआ था, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की डेथ हो गई। ये यूपी के रामपुर सहसवां घराने से थे। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और चेयरपर्सन अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की डॉक्टर वी शांता की डेथ हो गई। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर माता प्रसाद की डेथ हो गई। नरेंद्र चंचल, ये भजन सिंगर थे, इनकी डेथ हो गई। इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री है जिसे स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड कौन से मंत्रालय को मिला ई गवर्नेंस के लिए? तो ये मिला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे हैं अर्जुन मुंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। स्वास्थ्य पोर्टल क्यों किया था लॉन्च? क्योंकि ये ट्राइबल न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर था, तो ये भी ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस करा एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है, कितने करोड़ रुपए की लागत से करा है ये। बेसिकली इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए उद्योग हैं, राइट, उनको प्रमोट करेगा, उनको प्रोत्साहन देगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1000 करोड़। और ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्रधानमंत्री मोदी की 2016 में स्टार्ट हुई थी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो 1000 करोड़ रुपए एलोकेशन रखा गया है इस फंड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है यानी तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी अभी एक महीने तक चलने वाला 1 month long मास अवेयरनेस कैंपेन यानी जागरूकता अभियान चलाया, ठीक है। ये जागरूकता अभियान ग्रीन एनर्जी के बारे में था, अक्षय ऊर्जा या हरित ऊर्जा के बारे में था, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में, क्लीन एनर्जी के बारे में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सक्षम। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष कौन बनी है 2021 के लिए? ये फिजी देश की हैं, FIJI फिजी। फिजी की राजधानी है सुवा, SUVA, और इनका नाम है नजाहत शमीन खान। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है One School One IAS, एक स्कूल एक IAS? तो इसमें वो लगभग 10,000 बच्चों को फ्री IAS की कोचिंग देंगे। ये चलाई है केरल की सरकार ने, केरल की सरकार की योजना है ये। तो आंसर है इसका केरल। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यानी श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, ये कहां बनेगा? तो ये भी केरल में बनेगा। केरल में एक शहर है अलापूजा, वहां पे ये बनेगा। और भारत के लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। अभी अभी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, जो 51वां IFFI हुआ था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में हुआ था और इसमें बांग्लादेश फोकस कंट्री था। तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये एक तरह का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार टाइप है, ये मिला है बिस्वजीत चटर्जी को। तो आंसर है बिस्वजीत चटर्जी। एक झील है जिसका नाम है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार है ये, ठीक है। ये अभी भी खबरों में रहा, ये कौन से राज्य में है? ये बिहार में है, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, और यहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में रहा। एक पक्षी महोत्सव का आयोजन इसी साल से 2021 से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, एक झील है रामगढ़ ताल, वहां पे भी किया जाएगा। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है यानी रेल मंत्रालय, उन्होंने एक आयरन ओर पॉलिसी अप्रूव करी है। ये पॉलिसी कौन सी तारीख से लागू हो जाएगी? आयरन ओर मतलब होता है लोह अयस्क, तो लोह अयस्क नीति।
तो ये 10 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। अभी अभी ये किताब किसने लिखी है, गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, इसको लिखा है मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने। रोमिला थापर की किताब है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, गेजिंग ईस्टवर्ड्स। अभी अभी डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है, ठीक है, इसका नाम क्या है, और इसको सीआरपीएफ को दे भी दिया, इसका नाम रखा है डीआरडीओ ने रक्षिता, रक्षिता ऑप्शन डी। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ ने कई और चीजें बनाई हैं अभी अभी, जैसे ध्रुवस्त्र नाम की एंटी टैंक मिसाइल, या रुद्रम नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल, या फिर वरुणस्त्र नाम का हैवी टॉर्पेडो, ये सब भी डीआरडीओ ने अभी अभी बनाया है। भारत की कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट है, यानी कि हमारी कौन सी परंपरागत एक भारतीय कला है, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस, उनके उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था, यानी उनका जो किक ऑफ सेरेमनी था शपथ ग्रहण समारोह, उसमें डिपिक्ट की गई, तो इसका नाम है कोलम, कोलम, और ये तमिलनाडु की आर्ट है। और जो कमला हैरिस की मदर है श्यामला हैरिस, वो भी तमिलनाडु से थी, उनका जो गांव है वो है तुला सेंद्रापुरम, जो तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी अभी भारत के कौन सा राज्य है जो एक बहुत ही महंगी खुम्बी या मशरूम, जिसे बोलते हैं गुच्छी, गुच्छी या मोरल बोला जाता है, उसके लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग चाहता है, तो ये मशरूम आती है डोडा डिस्ट्रिक्ट से, मेनली जम्मू कश्मीर, तो आंसर है जम्मू कश्मीर। एक युद्ध अभ्यास है डेजर्ट नाइट, ये भारत ने किया हवाई युद्ध अभ्यास किस कंट्री के साथ, डेजर्ट नाइट को भारत ने किया फ्रांस के साथ, ये जोधपुर में हुआ था, ये भी याद रखिए जोधपुर में हुआ था। फ्रांस के साथ हम तीन युद्ध अभ्यास और करते हैं, गरुड़ वरुण और शक्ति, गरुड़ वरुण और शक्ति। जो हमारा कल्चर मिनिस्ट्री है यानी संस्कृति मंत्रालय, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती आती है 23 जनवरी को, उसको किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होगी 2022 में, यह भी ध्यान रखिए। श्रीलंका जो है वहां पे भारत कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण कर रहा है, इसमें 51% हिस्सा होगा श्रीलंका की सरकार का, 49% होगा अदानी ग्रुप का, तो यह है कोलंबो हार्बर। तो श्रीलंका का ये कौन सा बंदरगाह है जिस पर एक गहरा समुद्र टर्मिनल बन रहा है, डीप सी टर्मिनल, तो यह बन रहा है कोलंबो हार्बर के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। फियट क्राइसलर ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में अपना पहला ग्लोबल डिजिटल हब स्थापित करने जा रही है, कहां पे करेगी, इसे विप्रो कंपनी के साथ मिलकर करेगी ये, और ये करेगी हैदराबाद में, तो आंसर है हैदराबाद। फियट क्राइसलर ऑटोमोबाइल कंपनी पहला डिजिटल हब बना रही है हैदराबाद में। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अभी अभी WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यानी कार्यकारी बोर्ड, उसकी अध्यक्षता करी, तो ये कौन सा अधिवेशन या कौन सा सेशन हुआ था जिसकी, कौन सा सत्र हुआ था जिसकी उन्होंने चेयरमैनशिप इनके पास थी, अध्यक्षता करी, तो याद रखिए ये WHO का जो हुआ था अभी अधिवेशन, ये इनका 148वां था यानी 148, और WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है। WHO के जो चेयरमैन हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, और जो इथोपिया के हैं। योवेरी मुसेवेनी कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, योवेरी मुसेवेनी जो हैं ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं, और युगांडा की राजधानी है कंपाला। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभी अभी खबरों में रही, ये कौन से राज्य में है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व है, मयूर झरना और पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व भी हैं, और नेशनल पार्क भी हैं जल्दापारा, नियोरा वैली एटसेट्रा। और ये न्यूज में क्यों थी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहां पे भी एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी त्यौहार का आयोजन किया गया, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। विश्वावी रहुजा ये अभी अभी कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने, विश्वावी रहुजा जो है ये अभी अभी जो है जो बैंक है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं, ये बैंक है आरबीएल बैंक, ठीक है आरबीएल बैंक। और आरबीएल बैंक जो है ये रत्नाकर बैंक लिमिटेड बोलते थे इसे, ये ध्यान रखिए 3 साल के लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। अभी अभी जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है उसका चेयरमैन कौन बना है, सोमनाथ जो मंदिर है उसके ट्रस्ट का चेयरमैन ये बने हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मंदिर जो है ये गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक बार पीछे चलते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, थाईलैंड ओपन किसने जीता इस बार, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थाईलैंड ओपन महिलाओं में एकल खिताब किसने जीता, ये जीता कैरोलिना मारिन ने, स्पेन की खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन, और पुरुषों में जीता विक्टर एक्सेलसन ने।
विक्टर एक्सेलसन जो है ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो कौन सी कंपनी है जिसे भारत की बेस्ट गवर्न्ड कंपनी का अवार्ड अभी अभी मिला है? भारत की बेस्ट गवर्न्ड लार्ज कैटेगरी में कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए, तो ये अवार्ड इन्हें आईसीएसआई ने दिया है, नेशनल अवार्ड। ये कंपनी है आईटीसी, ये कंपनी है आईटीसी। भारत की जो आर्मी है उसके वाइस चीफ कौन बने? भारत की जो आर्मी है उसके वाइस चीफ बने हैं अभी अभी चंडी प्रसाद मोहंती, और ये ओडिशा के हैं। ये स्थान लेंगे एसके सैनी का। अभी अभी एक सुरंग बन रही है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है छत्रगला सुरंग या चटरगला सुरंग, तो ये कठुआ को कौन से शहर से जोड़ेगी? ये कठुआ को डोडा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी, ठीक है, कठुआ को ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी। जो बाइडेन और कमला हैरिस कौन से नंबर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? तो जो बाइडेन होंगे 46th प्रेसिडेंट और कमला हैरिस होंगी 49th वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। और अगला सवाल जो मिलता जुलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी कौन है? फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट की पत्नी को बोलते हैं, तो फर्स्ट लेडी है जिल बाइडेन, जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन। हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल, यानी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, उन्होंने अभी अभी दो एक्सकवेशन साइट का उद्घाटन करा है। यानी यहां पे एक्सकवेशन होगी, खुदाई होगी, तो दो खुदाई स्थल, एक है करणबेल त्रिपुरी और एक है तेवर। तो ये कहां पे है दोनों? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। अभी अभी कौन से हमारे ऑफिसर हैं जिन्हें थल सेना अध्यक्ष यानी कि जो चीफ होता है आर्मी का, उनके द्वारा कमेंडेशन मिला है, विशेष प्रशस्ति मिली है, सम्मानित कर किया गया है, क्योंकि कोरोना में जब लॉकडाउन था उसके दौरान इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमरेश कुमार चौधरी। तो याद रखिए अमरेश कुमार चौधरी जो है इन्हें स्पेशल एक रिकमेंडेशन मिला है वाइस जो चीफ है उनकी तरफ से आर्मी के। अभी अभी गोवा में जो ओटर होते हैं ऊद बिलाव, उनको उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ऑटर। प्रोजेक्ट ऑटर नहीं, इसका नाम है प्रोजेक्ट लाइट हाउस, ऑप्शन सी। ऑटर के लिए तो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट लाइट हाउस, ऑप्शन सी। अभी अभी एक कमेटी बनी थी जिसका काम था कि जो महिलाओं की मैरिजेबल एज है, भारत में महिलाएं जो हैं वो 18 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं लड़कियां, तो उनकी एज को बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो उसके लिए कमेटी बनी थी। उसका चेयरमैन कौन था? उसके चेयरमैन थी जया जेटली, ठीक है। विवाह की उम्र जो है महिलाओं की, उसको फिर से देखने के लिए जो गठित की गई थी कमेटी, उसकी चेयरमैन थी जया जेटली। अभी अभी फिटबिट कंपनी का अधिग्रहण किसने कराया? फिटबिट कंपनी को किसने खरीदा है? फिटबिट कंपनी को खरीदा है $2.1 बिलियन में गूगल ने। सो आंसर है गूगल। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो कितने तेजस एयरक्राफ्ट खरीदेगी, तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी 48,000 करोड़ में? तो इनकी संख्या है 83 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है तेजस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इन्होंने 20 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया, 16 फाउंडेशन डे। ये कब बनी थी? तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो बनी थी 2006 में ये बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने अभी अभी 21 मिग और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे हैं, कौन से कंट्री से? तो ये भारत ने अभी अभी खरीदे हैं रशिया से। ये सुखोई और मिग ये रशिया बनाती है। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, इसका नाम अब बाला साहेब ठाकरे के नाम पे रखा गया है, ये कहां पे है? गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू कहां है? ये है नागपुर में, नागपुर में है ये, इसका नाम अब रखा गया है बाला साहेब ठाकरे के नाम पे। गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम पलटकर क्या रख दिया है? तो ड्रैगन फ्रूट जो है ये कुछ कुछ लोटस जैसा दिखता है, तो इसका नाम हो गया है कमलम। अभी अभी जो एडई है, बीमा नियामक एडई, उन्होंने स्टैंडर्ड फायर और स्पेशल पेरिल पॉलिसी उसको बदल दिया है। अब कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा उत्पाद है जिससे बदला गया है? तो ये है भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम उद्योग सुरक्षा और भारत लघु उद्योग सुरक्षा। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, चारों तीनों। भारत गृह रक्षा आपकी रक्षा करेगा घर की, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा करेगा 5 करोड़ रुपए तक का अगर रिस्क साइज हो, और भारत लघु उद्यम सुरक्षा करेगा 5 से 50 करोड़ तक का अगर रिस्क साइज हो। 850 मेगावाट का रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये कौन सी नदी पे बन रहा है? तो ये छेनाब नदी पे बन रहा है, याद रखिए छेनाब नदी पे बन रहा है। जो नीति आयोग का दूसरा इनोवेशन इंडेक्स है नवाचार सूचकांक, उसमें नंबर 1 राज्य कौन रहा? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, राज्यों में नंबर 1 कर्नाटक रहा,
और छोटे राज्यों में और हिली स्टेट्स में हिमाचल नंबर वन रहा और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर वन रहा। लेकिन ओवरऑल दिल्ली नंबर वन था क्योंकि दिल्ली का स्कोर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कर्नाटक से भी ज्यादा है। हमारा जो कैबिनेट है केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट, उन्होंने एक एमओयू अप्रूव कराया है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए कौन से कंट्री के साथ। ये कंट्री है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद, इसकी मुद्रा है सोम और इसके साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं डस्टलिक। हावड़ा कालका मेल ट्रेन बहुत पुरानी ट्रेन है, इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? इसका नाम जो है वो रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। आयुष मंत्री कौन बने हैं नए? तो ये हैं किरण रिजिजू जो हमारे खेल मंत्री भी हैं, तो आयुष मंत्रालय अब किरण रिजिजू के पास गया है क्योंकि हमारे आयुष मंत्री जो थे श्रीपद यसो नायक उनका एक्सीडेंट हो गया। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इन्होंने मनाया अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को, 21 जनवरी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब बना रहा है? तो यह कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो याद रखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो क्वांटम कंप्यूटिंग लैब बना रहा है। कौन से बैंक ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है इंस्टा एफएक्स? इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप जो बनाया है अभी अभी वो आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है संदीप बख्शी। अभी अभी जो वर्जिन ऑर्बिट का बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है उससे एक सैटेलाइट छोड़ी गई, तो इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या रखा गया है जिससे उपग्रह छोड़ा गया, उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया? इसका नाम रखा गया है कॉस्मिक गर्ल, कॉस्मिक गर्ल। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं अभी अभी डगलस एमहॉफ जो कि कमला हैरिस के पति हैं। अभी ये किताब किसने लिखी है? मनोहर पारिकर ऑफ द रेकर्ड। ये किताब मनोहर पारिकर के जीवन पे है जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसको लिखा है वामन सुभा प्रभु ने, वामन सुभा प्रभु। अभी अभी पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी हैं जो रिपब्लिक डे में हिस्सा लेंगी यानी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार एक हिस्सा लेंगी महिला फाइटर पायलट, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भावना कांत। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप ये अभी अभी किसने शुरू करी है? इसमें जो जूनियर आर्टिस्ट है उनको ट्रेन किया जाएगा थिएटर में, यह शुरू करी है दिल्ली की सरकार ने। कौन सा भारत का राज्य है जिसने आयुष्मान भारत योजना का नाम पलटकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है, महात्मा गांधी वर्ड ऐड कर दिया है? तो यह करा है अभी अभी राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने करा है ये, और इसमें इन्होंने कोविड और हीमोडायलिसिस भी जोड़ दिया है। भारत के कौन से राज्य ने एक एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है धरा? तो धरा को अभी अभी बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्यम सारथी नाम का मोबाइल ऐप भी बनाया है, उद्यम सारथी। कौन सा राज्य है जिसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक रियलिटी शो शुरू होगा 100 डेज इन हेवन, इसको होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन? तो ये है उत्तराखंड राज्य, तो आंसर है उत्तराखंड। फ्रांस की एक कंपनी है टोटल, उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी में कितने परसेंट हिस्सा खरीद लिया है? तो उन्होंने 20% हिस्सा खरीद लिया अदानी ग्रीन एनर्जी में $2.5 बिलियन में, $2.5 अरब में, और टोटल कंपनी फ्रांस की है। भारत के कौन से बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है जिसका नाम है ओरा, ओरा क्रेडिट कार्ड, इसको स्टार्ट करा है अभी अभी एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन से राज्य की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है अवलोकन, यह सरकार के खर्चों पर नजर रखेगा? अवलोकन को बनाया है अभी अभी कर्नाटक की सरकार ने, और कर्नाटक की सरकार ने जो है अभी अभी फ्रूट्स पोर्टल भी शुरू करा, फ्रूट्स पोर्टल जो किसानों के लिए। हमारा जो सड़क परिवहन मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कौन से आईआईटी के साथ मिलकर अनुसंधान और शोध के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने यह करा है आईआईटी रुड़की के साथ जो उत्तराखंड में है। रीसा रिग्नई और रिकुटू ये कौन से राज्य की पारंपरिक महिला पोशाक है, ट्रेडिशनल फीमेल अटायर? तो ये है त्रिपुरा की, इसको नेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। कौन सी कंपनी ने अभी अभी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसे साओ बोलते हैं SAW वो बनाया है? ये बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत के कौन से राज्य ने बगायत विकास मिशन या बागवानी विकास मिशन शुरू करा है, ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है? तो ये स्टार्ट करा है अभी अभी गुजरात की सरकार ने, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और आचार्य देवव्रत जो हैं वो यहां के गवर्नर हैं। कौन से राज्य ने एक नया रेडियो स्टेशन स्टार्ट करा है युवाओं के लिए जिसका नाम है रेडियो हिल्स? रेडियो हिल्स को स्टार्ट करा है अभी अभी भारत में हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है?
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज जो है वहारेओ ब्रिज, ये कहां बना? ये अभी अभी मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया। हमारे जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने नया चार लेन थालतेज से रांचरडा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कराए। कहां पे? तो ये करा इन्होंने अहमदाबाद में, अहमदाबाद शहर गुजरात। अभी अभी मस्करेट 2021, ये स्मगलिंग और जो नकली व्यापार होता है, जाली व्यापार, फर्जी व्यापार, तस्करी वगैरह रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कौन सा एडिशन हुआ था अभी अभी मस्कराड का? तो याद रखिए, मस्कराड का जो ये एडिशन था वो था 7th एडिशन, और इसको फिक्किंग ने ऑर्गेनाइज किया। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? गुलमर्ग में हुई थी, कश्मीर में, ये जीता इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने, और इन्होंने फाइनल में हराया लद्दाख को। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भारत की पहली सेना है अर्धसैनिक बल जिसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई है अपने जवानों की शादी कराने के लिए, और इनके डायरेक्टर जनरल हैं सुरजीत सिंह देसवाल, SS देसवाल। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने कौन सा पोर्टल बनाया है जिससे जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर, उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा? तो इसका नाम रखा है श्रम शक्ति पोर्टल, श्रम शक्ति। तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला, हस्तशिल्प मेला है तोशाली, ये 15वीं बार हुआ। कहां पे? ये हुआ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पे, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे? ये चलाया सर्द हवा, जिससे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ ना हो रिपब्लिक डे के दौरान। और BSF के डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना। BSF अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 दिसंबर को। भारत ने 10 लाख खुराक दी है नेपाल को, डोज दी है, वैक्सीन दी है कोविड की। इस गिफ्ट, ये जो गिफ्ट दिया है, इसका क्या नाम है? इस इनिशिएटिव का, इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। नेपाल के साथ हम युद्ध अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण। और हमारा आज का आखिरी सवाल, कौन सा राज्य है भारत का जिसने मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट लॉन्च करे हैं जिससे आपके घर पे राशन पहुंचाया जा सके, राशन आपूर्ति की डोर डिलीवरी के लिए? तो यह स्टार्ट करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। सो ये हमारा 300 बेस्ट क्वेश्चंस हिंदी में मैं लेकर आया ये वीडियो पार्ट 3। और SBIPO के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे से आपकी ट्रेनिंग हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।